I welcome one and all for this webinar. We are looking at very huge and overwhelming response of the students. Career after 10, ye jo concept hai, this is very much important for students and parents. Ye isliye hai kyunki 10 tak to sab bache, everyone is in the same stream. Hum school mein jaate hai, baki bachon ki tarah same subjects, sirf board different hota hai, lekin subject wagera sab same hote hai. लेकिन आपका जो आगे वाला आने वाला करियर है उसके लिए दो साल जो वी कैन से विच आर टर्निंग एक लाइफ टर्निंग जो इवेंट हम बोल सकते हैं ऐसे ये दो साल है और इसके बाद आपको क्या करना है ये आने वाले दो साल डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले होता है कि हमें कहाँ जाना है, ये चीज अगर हमें पहले से पता होती है, पहले से पता है तभी हम उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको इन ब्रीफ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस इन ब्रीफ। एक दो जो सर ने भी पहले बताया कुछ इंस्ट्रक्शन में एक दो देना चाहूंगा। अगर आपके कुछ डाउट्स क्वेश्चंस है यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स आफ्टर इन द लास्ट 5-10 मिनट्स वी विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम ऑल। एंड सेकेंड चीज, ये पूरा का पूरा वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है एंड इट विल बी पुट ऑन द यूट्यूब अंडर सर आइंस्टाइन एकेडमी चैनल। तो अगर कोई मिस करता है या कुछ अगर बीच में दिक्कत आती है इट विल बी देयर अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन सर्च फॉर सर आइंस्टाइन एकेडमी। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्लास 10 की एग्जाम कैंसिल हो गई, पहले सीबीएसई की कैंसिल हुई, फिर आईसीएसई की कैंसिल हुई एंड एट द एंड अभी एसएससी की एग्जाम भी कैंसिल हो गई। एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, एग्जाम ऑफ 10th इज ओनली कैंसल्ड, 12th की एग्जाम कहीं भी कैंसल नहीं हुई है। राइट नाउ इट डजंट कंसर्न यू, लेकिन दो साल बाद आपका भी क्लास 12 आने वाला है। ऐसा ना हो कि तब ऐसी सिचुएशन ना रहे, लेट्स प्रे फॉर इट। लेकिन फिर भी दिस इज क्लियर दैट क्लास 12 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि उसकी एग्जाम कैंसिल करके डायरेक्टली किसी को प्रमोट नहीं किया जा सकता। वहां पे आपको खुद से मार्क्स लाके ही आपका जो करियर है वो चूज करना है। अराउंड 12 लाख स्टूडेंट्स विल बी देयर, ये एक रफ फिगर है इन द महाराष्ट्र स्टेट। इतने बच्चे हैं जो आगे जाके आपके आपके साथ क्लास 11th एंड 12th में कॉम्पीट करने वाले हैं। अब इन सारे बच्चों के साथ अगर हमें कॉम्पीट करना है तो एक चीज तो जाहिर है हमें भी उनके जैसा सोचना चाहिए, हमें भी जल्दी से जल्दी सारी चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। अब स्टार्ट करना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। सो विल गो थ्रू इट वन बाय वन। एक चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्लास 10th के बाद चार एक ब्रॉड मैंने इसमें कैटेगराइज की है। सबसे आखिर की जो है ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी डिप्लोमा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन फार्मेसी, किसी भी तरह का डिप्लोमा। ये पहले बहुत फेमस हुआ करता था, चलो डिप्लोमा डिप्लोमा को इजिली एडमिशन हो जाता था, डिप्लोमा से जॉब भी मिल जाते थे। बट राइट नाउ द प्रॉब्लम इज डिप्लोमा से कहीं भी जॉब्स नहीं मिल रहे। मोर देन 40-50% ऑफ द डिप्लोमा कॉलेजेस, आई हैव बीन इन डिप्लोमा कॉलेज एज अ लेक्चरर फॉर 3.5 ईयर्स, मैंने करियर की शुरुआत एज अ लेक्चरर की थी इन पुणे। वो कॉलेज वहां की इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच अभी बंद हो चुकी है बिकॉज देर आर नो स्टूडेंट्स टू गेट एडमिटेड। सेकेंड चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद भी एवरी स्टूडेंट हैज टू गो फॉर डिग्री, अगर जॉब नहीं है तो नेक्स्ट चीज क्या होगी, वी हैव टू गो फॉर डिग्री। तो अगर डिग्री करनी ही है एट द एंड तो व्हाई शुड गो फॉर डिप्लोमा, ये अभी बच्चों को और पेरेंट्स को समझ में आने लगा है। सो डिप्लोमा इज लिटिल बिट नाउ आउटडेटेड। उसके पहले है तीन नंबर का ऑप्शन है आर्ट्स। आर्ट्स में भी कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते, आर्ट्स देयर इज अ ग्रेजुएशन, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके ग्रेजुएट हो सकते हो। उसके बाद अगर इफ यू विश यू कैन गो फॉर नेट सेट, जो हायर एग्जामिनेशंस होती है क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशंस, एंड यू कैन गो फॉर टीचिंग करियर, जो प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में, लेकिन वहां पे भी पूरा सैचुरेशन हो चुका है, इजीली वहां पे भी जॉब्स नहीं मिलते। देर आर सम ऑप्शंस, देर आर सम ब्रांचेस लाइक मास कम्युनिकेशन, लाइक जर्नलिज्म, जो अभी अभी आ रहे हैं बट स्टिल इट इज नॉट दैट मच प्रॉमिसिंग। तो ये दो ऑप्शंस तो वी कैन से इट इज नॉट दैट मच प्रॉमिसिंग फॉर गेटिंग अ जॉब। अब जो एवर ग्रीन करियर ऑप्शंस है, दो करियर ऑप्शंस है वी कैन से विच आर एवर ग्रीन, फर्स्ट वन इज साइंस, सेकेंड वन इज कॉमर्स।
डिटेल में हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे ये क्या है, बट साइंस के अंदर इन ब्रॉड अगर हम कैटेगराइज करें, रिमेंबर देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ओनली इन साइंस। साइंस में अगर आप सब्जेक्ट्स देखें, साइंस में अगर आप ब्रांचेस देखें, देर आर सो मेनी ट्रिमेंडस नंबर, हमें उसके हार्डली 10% पता होता है, लाइक अ टिप ऑफ आइसबर्ग। बहुत बड़ा है साइंस, इवन कॉमर्स ऑल्सो। सो इन शॉर्ट हम देखते हैं कि साइंस में चार ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिख रही है इन ब्रॉड। इंजीनियरिंग सबसे पहले, इंजीनियरिंग में हमें पता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल एंड ऑल। इंजीनियरिंग के ऊपर हमने एक वेबिनार लिया था लास्ट संडे 18th को, अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एज आई सेड, वहां पे आपको उसके पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यू कैन गो थ्रू इट। बहुत ही डिटेल में हमने उसमें बताया था इंजीनियरिंग के कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है। उसके बाद आता है मेडिकल, मेडिकल एंड फार्मेसी, ये वी कैन से कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड है। मेडिकल में MBBS, BDS, BHMS बहुत सारे ब्रांचेस है, आगे हम देखेंगे डिटेल में। और फार्मेसी, ये दो अगर आप देखें राइट नाउ इन दिस कोरोना पैंडेमिक, सबसे बड़ा काम अगर कोई कर रहा है तो वो मेडिकल एंड फार्मेसी फील्ड के लोग कर रहे हैं। देश अभी कौन चला रहा है? देश कोई मिनिस्टर नहीं चला रहा है, पूरा देश, सारे ह्यूमन काइंड को जिंदा रखने का काम ये मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स कर रहे हैं। एंड फार्मेसी, यस, द कोविड का जो अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बहुत सारे नए नए वैक्सीन आ रहे हैं इन इंडिया, ये सारे वैक्सीन कौन बनाता है? ये फार्मेसी पीपल बनाते हैं। सो दिस टू आर वेरी मच वेरी ग्रेट ब्रांचेस इन द साइंस। एंड लास्ट इज रिसर्च। रिसर्च मतलब प्लेन साइंस करके आप रिसर्च में जा सकते हो। ओके, अब इसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स में CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंट, ये एक ऑप्शन होता है। चार्टेड अकाउंटेंट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस करियर्स, नॉट ओनली इन कॉमर्स, इन अमंग द ऑल द ब्रांचेस। हर एक कंपनी, हर एक इंस्टीट्यूशन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उनका ऑडिट करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट की साइन वहां पे होना जरूरी होता है। सो चार्टेड अकाउंटेंट इज लाइक द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द मनी पार्ट ऑफ एनी बिगेस्ट कंपनीज। सो ये एक चीज है। और दूसरी ट्रेडिशनल चीज होती है एमकॉम करके, फिर यू कैन गो फॉर टैक्स एडवाइजर और सम अदर कोर्सेस लाइक दैट। अब इसमें एक चीज हमें देखनी है, यू कैनॉट गो इन दिस ट्री डायग्राम, यू कैनॉट गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आई रिपीट, यू कैनॉट गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब अगर आप 11th में आर्ट्स चूज करते हो तो वहां से आप कॉमर्स को 12th में नहीं आ सकते, या 12th के बाद नहीं आ सकते। अगर आप कॉमर्स चूज करते हो आप वहां से साइंस को नहीं आ सकते, बट इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप अगर मान लीजिए कि किसी ने साइंस लिया, 11th 12th साइंस से किया, बाद में उन्हें लगा कि यार नहीं, मुझे कॉमर्स में कुछ करियर करना है, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, यस इट इज पॉसिबल, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहां पे भी आप जाओ इट इज एक्सेप्टेबल कि आप अगर साइंस से हो यू कैन गो फॉर द सेकेंडरी कोर्स लाइक कॉमर्स और एनीथिंग एल्स। सो ये हमें याद रखना है। सेकेंड चीज यहाँ पे एक मैंने लिखा है नीचे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, विल हैव अ सेपरेट वेबिनार ओवर इट। लेकिन किसी भी डिग्री करने के बाद यू कैन गो फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो MPSC, UPSC आपने नाम सुने होंगे, जो कलेक्टर्स बनते हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये सारी चीजें UPSC या MPSC से होती है। इसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो लास्ट का जो ऑप्शन है डिप्लोमा, ये वहां पे ही खत्म हो जाता है बिकॉज इट नीड्स अ डिग्री। ठीक है, सो लेट्स मूव स्टूडेंट्स, हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि हर चीज में एक्चुअली है क्या। फर्स्ट विल स्टार्ट विद साइंस। साइंस में पहली चीज है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। जो डिग्री होती है उसका नाम BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों चीजें सेम है, कंफ्यूज लोग होते हैं सर BE इज बेटर और BTech इज बेटर, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है, थोड़ा सा 19-20 फर्क होता है। BTech इज मोर प्रैक्टिकल अप्रोच है BTech में, जनरली ऑटोनॉमस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं दे ऑफर BTech डिग्री। फॉर एग्जाम्पल शिवाजी यूनिवर्सिटी, जो सातारा डिस्ट्रिक्ट शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, दे विल ऑफर यू BTech डिग्री। पुणे में अगर आप जाओ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, वहां पे BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री है। सो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, इसमें और डिटेल आपको इंजीनियरिंग के हमारा जो वेबिनार हुआ था उसमें पता चल जाएगा ऑटोनॉमस चीज क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज क्या होती है वगैरह। अब इसमें दो लेवल है, इसमें दो लेवल है, आई कम टू दैट। थर्ड जो पॉइंट है कॉलेजेस का तब मैं बताता हूँ ऑटोनॉमस क्या है। सबसे पहली चीज एडमिशन कैसे होते हैं, तो दो लेवल होती है, एक तो नेशनल लेवल है
ऑल इंडिया लेवल और दूसरी है स्टेट लेवल। नेशनल लेवल के जो कॉलेजेस है जिसमें आता है टॉप मोस्ट कॉलेज IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद NIT IIIT, IIIT का एक कॉलेज पुणे में है, NIT का एक कॉलेज पवई में है मुंबई में, एक नागपुर में भी है। सो अगर इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो व्हाट यू नीड JEE एग्जामिनेशन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स इन इंडिया। ये अगर आप क्रैक करते हो यू गेट एडमिटेड इन एनी ऑफ दीज कॉलेजेस, एंड रिमेंबर स्टूडेंट दीज आर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, यहाँ पे आपका पूरा खर्चा ये गवर्नमेंट करता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में मान लो किसी चीज की लैक्स में फी है, यहाँ पे आपको थाउजेंड्स में ही फी देनी पड़ेगी। एंड डिग्री व्हाट यू गेट फ्रॉम IIT एंड IIIT इट इज मोस्ट प्रेस्टिजियस। और दूसरी लेवल आती है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल मतलब महाराष्ट्र लेवल है, फॉर एग्जाम्पल वी आर इन महाराष्ट्र, सो फॉर महाराष्ट्र देर विल बी अ सेपरेट एग्जामिनेशन कॉल्ड एज महाराष्ट्र CET MHCET। ओके, ब्रांचेस इसमें 150 प्लस ब्रांचेस है, वी नो ओनली फ्यू ब्रांचेस लाइक सिविल, केमिकल, मैकेनिकल या कंप्यूटर, IT, ENTC। I am myself an ENTC इंजीनियर, अभी मैं PhD कर रहा हूँ ENTC में। सो 150 प्लस ब्रांचेस है इन इंजीनियरिंग राइट नाउ। कोई भी ब्रांच किसी भी कॉलेज में आप सिलेक्ट करते हो प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट हैव दैट मच मेरिट। किस एग्जाम में? इन दो में से किसी एक एग्जाम में। नेशनल लेवल जाना है यू शुड हैव मेरिट इन JEE एग्जाम। स्टेट लेवल के किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट के भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है यू शुड हैव MHCET। अब इंजीनियरिंग का जो बेस होता है, ये बेस क्या है? इंजीनियरिंग के लिए बेस होता है मैथमेटिक्स। मीन्स इन क्लास 12 यू शुड हैव फिजिक्स केमिस्ट्री, ये दो तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, और थर्ड आता है मैथमेटिक्स। आपने न्यूज़पेपर में न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा, इंडिया हैज पुट अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 2019, जो इस साल से मे बी या अगले साल से वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इन दैट देर माइट बी सम चेंजेस। इससे पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी दैट वाज इन 2009 जब RTE राइट टू एजुकेशन आया था, उसके पहले 1980 की थी। सो अप्रोक्सीमेटली 10-15 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी चेंज होती है टू मेक यू नो कॉम्पेटिबल विद द वर्ल्ड। अब ये सारे चेंजेस क्या है, नो वन कैन नो व्हाइल सिटिंग इन द होम। हम जैसे लोग जो 10-12 साल से इस फील्ड में है, वी नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के लिए CET एग्जाम है, इसके लिए मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। मतलब आपको अगर मैथमेटिक्स है देन ओनली यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। अब कुछ बच्चे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, सर मुझे तो मैथ्स नहीं आता, मुझे तो मैथ्स डिफिकल्ट जाता है, कैन आई गो फॉर साइंस? यस, इन साइंस दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। याद रखिए स्कूल तक आप एक स्ट्रीम लाइन में थे, अब यहाँ पे आपकी ब्रांचेस अलग हो चुकी है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। मतलब मैंने स्कूल के बाद 12th साइंस किया, 12th साइंस के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मैंने VLSI एम्बेडेड सिस्टम, उसमें से भी एक स्पेशलाइजेशन, उसमें मैंने मास्टर्स किया, मास्टर इन इंजीनियरिंग, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ स्पीच प्रोसेसिंग फॉर फॉरेंसिक एप्लीकेशन। तो उसमें भी डीप में मैं जा रहा हूँ अभी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस दैट जो आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो चेंज होता है। सो इफ यू डोंट want mathematics, you have option of medical field, pharmacy and medical। यहाँ पे आप mathematics छोड़ के physics, chemistry, biology, जिसे B group कहा जाता है in general language, वो हम choose करके आगे जा सकते हैं। Instead of maths, you can go for geography or any some other subject which is offered by board। ठीक है? Yeah, जो question से I'll take it in the end so that हमारा flow बना रहे। But you can keep putting your questions in chat। Okay? अब इसमें इन दोनों भी एग्जाम्स में, IIT हो, JEE हो या CET हो, दोनों भी एग्जाम में जो सिलेबस अगर हम देखें, 11th एंड 12th दोनों का भी सिलेबस होता है। मतलब वो दिन अभी गए कि 11th में हम आराम करेंगे, 10वीं में तो बहुत पढ़ाई की थी, 11th में आराम करेंगे, 12th में देखेंगे, 12th में बोर्ड से। नहीं, इट इज अ सेम करिकुलम विच इज ओनली डिवाइडेड इंटू 2 ईयर्स। 11th एंड 12th कुछ अलग नहीं है। अगर आप उसके सिलेबस या इंडेक्स अगर देखे, सिलेबस के चैप्टर्स के नाम 11th के और 12th के 60-70% सेम है। मतलब उसका आधा पार्ट आपके 11th में होगा, आधा पार्ट 12th में होगा। इट इज लाइक दैट। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, ओम्स लॉ यू लर्न इन क्लास 9, और उसके आगे का जो पार्ट था अबाउट रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड ऑल, दैट वी लर्न इन क्लास 10। सो इट इज द सेम कंसेप्ट डिवाइडेड इंटू 2 ईयर्स। वैसे ही है,
सीईटी में 20% है 11th का सिलेबस, जेडब्ल्यू में 50% है, मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से आधे क्वेश्चन जेडब्ल्यू में 11th से होंगे और 50% विल बी फ्रॉम 12th। वो डिटेल में हम उस वेबिनार में भी बात कर चुके हैं और डिटेल में हम आगे भी उसके अलग वेबिनार में बात करेंगे। इंजीनियरिंग में देयर आर ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इंजीनियरिंग में। यू कैन गो फॉर रिसर्च, राइट नाउ आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, होम डिपार्टमेंट के अंदर मैं फॉरेंसिक लेबोरेटरी में काम करता हूँ इन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। ये जो मेरी पोस्ट है इट इज ओनली फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। यू कैन गो फॉर प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज, करोड़ों में पैकेजेस मिलते हैं बच्चों को, आपने न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, करोड़ों में पैकेजेस आईआईटी के बच्चों को। सिर्फ क्या है, वहां तक पहुंचना यही चीज मुश्किल है। सो वही हम देख रहे हैं कि वहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग इन ब्रीफ। आगे आते हैं मेडिकल फील्ड। मेडिकल एक बहुत ही होलिस्टिक फील्ड है, बहुत ही पवित्र हम कहते हैं कि किसी की जान बचाना ये किसी भी प्रोफेशन से बड़ा प्रोफेशन। तो मेडिकल में जो एडमिशन होता है, नो मैटर इफ यू आर ऑन स्टेट लेवल और इन नेशनल लेवल, आपके दिल्ली के एम्स में आपको एडमिशन चाहिए या अभी सातारा में गवर्नमेंट कॉलेज हो रहा है वहां पे एडमिशन चाहिए, यू हैव टू गो थ्रू ओनली वन एग्जामिनेशन, दैट इज नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट। कोई लोग आते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि नहीं हमारी तो पहचान है वहां के, वो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल हमारे पहचान वाले है, ये मंत्री साहब का वो कॉलेज है, हमें तो एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज नॉट इन द रूल्स। पीएम का भी अगर बच्चा है, प्रेसिडेंट का भी बच्चा है, ही और शी हैज टू गो थ्रू नीट ओनली, ये आप दिमाग में रख लो। डायरेक्टली एडमिशन किसी भी कॉलेज में अब नहीं होता, पहले होता था मैनेजमेंट कोटा एंड ऑल, बट फॉर मैनेजमेंट कोटा आल्सो यू नीड नीट एग्जामिनेशन, आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। सो सिक्स मेन ब्रांचेस है यहाँ पे, आपने आप कुछ पढ़ सकते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस मतलब डेंटिस्ट है, या बीएमएस, बीएचएमएस, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, ये दो साल के बाद की बात है, लेकिन कहीं भी जाना है यू शुड बी क्वालिफाइड इन नीट। नीट में भी वैसे ही है, 11th एंड 12th दोनों का भी सिलेबस है। हाँ, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स नहीं लगता, यू कैन गो फॉर ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीन ही सब्जेक्ट के ऊपर ये एग्जाम होती है। वी आर गोइंग टू हैव वन डिटेल सेशन ऑन मेडिकल प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, कि नीट क्या होती है और वहां पे स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस दे आर इन करोड़, लाख्स एंड करोड़ में फीस आती है प्राइवेट कॉलेजेस की, वेयर एज गवर्नमेंट कॉलेज की फी बहुत ही कम होती है। वी हैव वन गुड न्यूज फॉर सातारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट, सातारा में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज इस साल शुरू हो रहा है एट माहुली, जो हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर है, वहां पे कंस्ट्रक्शन हैज बीन स्टार्टेड, और मेडिकल का कॉलेज, हमारा नियरेस्ट कॉलेज था पहले बीजे मेडिकल इन पुणे, सो उससे के जैसा गवर्नमेंट कॉलेज इट विल बी देयर फॉर इन सातारा, और सातारा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को वहां पे प्रायोरिटी होगी, कुछ कोटा रहता है डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए, सो यू हैव अ बेटर चांस नाउ देन प्रीवियस स्टूडेंट्स, ओके। सो इट इज कॉस्टली इन मेडिकल कॉलेजेस। कुछ ब्रांचेस होती है जिसे बोलते हैं पैरामेडिकल, लाइक बीएससी जो होते हैं ना, डाइटिशियंस होते हैं, या फिर कोई और लैब टेक्नीशियंस, या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो मेडिकल को सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक न्यूरोसर्जन है, न्यूरोसर्जन किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, उसके आसपास कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं और उसे हेल्प करने के लिए देर आर सम पैरामेडिकल स्टूडेंट्स या पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, तो वो भी है। वो बीएससी होती है पैरामेडिकल्स में, लेकिन उसकी अलग एग्जाम होती है बीएससी जो भी ब्रांचेस है उसमें, so that doesn't cover under NEET examination, ठीक है। so medical and paramedical ये चीजें different है, याद रखिए। paramedical is like a support staff, ठीक है, जैसे एरोप्लेन में होता है एक पायलट होता है और बाकी के क्रू मेंबर्स होते हैं, it is something like that, okay। तीसरी ब्रांच है फार्मेसी। फार्मेसी जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती है, सीरम इंस्टीट्यूट अभी बहुत वो हेडलाइंस में है, which is in पुणे, या बहुत सारी ये कंपनीज है, सिप्ला है, मॉडर्ना है, फाइजर है, ये सारी कंपनीज के नाम है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है फार्मेसी का। सो फार्मेसी के लिए स्टेट लेवल पे एग्जाम जो है दैट इज एमएससीईटी। अब फार्मेसी की एग्जाम, सीईटी की एग्जामिनेशन दो तरह से आप दे सकते हो, पीसीएम से भी दे सकते हो, जो हमने इंजीनियरिंग में देखी पीसीएम, एमएससीईटी, और दूसरी होती है उसी में पीसीबी भी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपने कोई भी एग्जाम दी पीसीएम या पीसीबी, यू कैन गो फॉर फार्मेसी कोर्स, फार्मेसी में दोनों भी अलाउड है,
ऐसा नहीं कि फार्मेसी है तो वहां पे सिर्फ बायो चलेगा, नहीं, पीसीएम स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गो फॉर फार्मेसी, अगर आप उसका ब्रोशर ठीक से पढ़े वहां पे आपको ये पता चल जाएगा। सो एनीवे यहाँ पे भी अगेन सेम, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, सिलेबस दोनों का होता है सीईटी, जैसे मैंने पहले भी बताया इंजीनियरिंग सेम सीईटी है लेकिन पेपर अलग अलग रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले कॉमन रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स एंड बायो सिर्फ अलग अलग रहते थे, लेकिन अब पूरी की पूरी सिस्टम उन्होंने सेपरेट की है। सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग बोथ द एग्जामिनेशंस, आपको फिजिक्स के पेपर दो बार देने पड़ेंगे, केमिस्ट्री के दो बार देने पड़ेंगे। इन दैट केस अगर आपको दोनों, मतलब आपके पास दो चांसेस है फॉर फार्मेसी, एक ही एग्जाम के दो चांसेस, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो इन कोविड पैंडेमिक कितना ज्यादा डिमांड है वैक्सीन को। सो फार्मेसी इज मोस्ट डिमांडेड राइट नाउ, बहुत ही ज्यादा डिमांड आगे भी आने वाला है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है, पैकेजेस है। रिसर्च चौथी ब्रांच है, थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ अभी मैं। रिसर्च मतलब बीएससी बैचलर इन साइंस, डिस्टिंग्विश जो इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे आपको नाम दिखाई देंगे, आईसर, एनसीएल नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी जो बैंगलोर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वायरस के ऊपर स्टडी करता है ये भी पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। वहां से अगर बीएससी को एडमिशन लेना है, देर इज वन एग्जामिनेशन केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये तो नाम हमने कभी सुना भी नहीं होता है, बट इफ यू पास दिस एग्जामिनेशन सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सिमिलर सिलेबस रहेगा, एंड यू गेट एडमिटेड हियर, यहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो, यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट इन वायरोलॉजी, साइंटिस्ट इन फिजिक्स, साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री। वी यूजुअली अरेंज अवर विजिट्स टू दिस इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे हम परमिशन लेके जो साइंस डे होता है वहां पे हम बच्चों को लेके जाते हैं। दिस टू इयर्स इट हैज नॉट बीन पॉसिबल एक्चुअली ड्यू टू कोरोना, लेकिन यस ये हमारे एजेंडा में होता है कि बच्चों को एक्चुअल दिखाए वहां जाके कि क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे। नेक्स्ट लेट्स कम फॉर कॉमर्स, देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर कॉमर्स। कॉमर्स में होता है कि एम कॉम एक कॉमन वहां पे ग्रेजुएशन जिसे हम बोलते हैं, लेकिन ये अभी इतना इनफ नहीं है, ओनली एम कॉम, यू हैव टू गो फॉर सम सर्टिफिकेशंस, टैक्स असिस्टेंट टैक्स कंसल्टेंट का कुछ सर्टिफिकेशन होता है, अकाउंटिंग का सर्टिफिकेशन होता है, यू हैव टू गो फॉर दैट। अदरवाइज इसमें सबसे बड़ा सबसे प्रेस्टिजियस करियर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे जहां पे जाने के लिए यू हैव टू क्रैक वन एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी। कॉमर्स का जो भी आपका सिलेबस होता है उसके ऊपर ये एग्जाम होती है, विद राइट स्ट्रेटेजी यू कैन पास दिस एग्जाम एंड यू गेट एडमिटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो रिजल्ट आता है इस एग्जाम का हो या फाइनल का हो, लेस देन 2-3% रिजल्ट आता है। सो यू कैन सी रिजल्ट इतना कम आता है, मतलब वहां पे पास होने वाले बच्चे बहुत कम है, टफ है, लेकिन वहां पे फिर कंपटीशन भी बहुत कम होगा। इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस करियर, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद दिस, कंसल्टेशन का बिजनेस कर सकते हैं। चलिए ये कुछ ऑप्शंस हमने देखे, एक एक सिर्फ इंजीनियरिंग के ऊपर मैं 8 घंटे भी बात कर सकता हूँ, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम। एक समराइज करते हैं, ये 2 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो एक एरोप्लेन, ये एक एयरपोर्ट है, वहां से वो एरोप्लेन अभी निकलने वाला है, लेकिन वहां तक जाने के लिए व्हाट यू नीड टू रीच दैट एयरपोर्ट फर्स्ट। आपको इंजीनियरिंग के एरोप्लेन में बैठना है, मेडिकल के बैठना है, फार्मेसी किसी भी में बैठना है, पहले आपको वहां तक प्रॉपरली पहुंचना है, और पहुंचने के लिए एक थिंग कॉमन है, व्हाट इज दैट, दैट इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपने ये सारे स्लाइड्स में देखा होगा, एंट्रेंस एग्जाम जेई है, नीट है, सीईटी है, केवीपीवाई है, सीपीटी है, सो मेनी एग्जाम्स अदर। अब ये एग्जाम अगर इसमें है तो इस अब हम क्या करें, कैसे इसकी तैयारी करें, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसी वो एग्जाम होती है, नेशनल लेवल मतलब आपका कॉम्पिटिशन अभी स्कूल लेवल से निकल के सीधा नेशनल लेवल तक पहुंच गया, गली क्रिकेट से लेके आप डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में या नेशनल क्रिकेट में पहुंच गए, ऐसा कुछ हुआ। अब इसके लिए क्या करें, कैसे करें, अब मैंने क्रिकेट का एक एग्जांपल दिया, चलो उसी एग्जांपल को थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं। इन इंडिया वी हैव 130 करोड़ पीपल, हर बच्चा, ओके, हर एक स्टूडेंट अपने लाइफ में क्रिकेट का फैन होता है, 99% स्टूडेंट तो होते ही है, मतलब 130 में से मिनिमम 60 करोड़ बच्चे क्रिकेट खेलते हर साल, और उसमें से सिर्फ 11 सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ 11 सिलेक्ट होते हैं इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब सारे के सारे वहां पे एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट बॉलर, एक्सपर्ट बैट्समैन, फिर भी इंडियन क्रिकेट टीम को कोच की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू दे नीड कोच, उन्हें तो सब पता है, बिकॉज कोच इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गाइड यू,
who is going to guide you in the proper direction. Talent aap mein already hai. कोई बच्चा होता है, कोई होशियार बच्चे होते हैं, कोई राइटिंग में होशियार है, कोई रीडिंग में होशियार है, कोई रिमेम्बरिंग में, कोई प्रेजेंटेशन में. हर बच्चा किसी ना किसी चीज में होशियार होता ही है. एवरीवन इज जीनियस. हमारा काम क्या है, व्हाट वी डू, वी मेक एवरीबॉडी जीनियस इन एवरीथिंग. आपका राइटिंग में अगर आप जीनियस हो, इट्स ओके. रीडिंग में आप कम पढ़ रहे हो, वहां पे आपका ये पूरा करना, फुलफिल करना, ये हमारा काम होता है सर आइंस्टाइन एकेडमी का. सो लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग. सर आइंस्टाइन एकेडमी नाम आपने पहले भी सुना है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट नॉट ओनली इन पंचगनी, नॉट ओनली इन महाबलेश्वर तालुका, नाउ इन इंडिया वी कैन से, बिकॉज वी हैव मेनी स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम ओरिसा, इवन गुजरात, आउट ऑफ महाराष्ट्र. हमारे पास बहुत सारे एडमिशंस इस एक दो साल में होना शुरू हो चुके हैं. इट इज आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, बेस्ट रिजल्ट. रिजल्ट के बारे में भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ आगे जाके. 11th एंड 12th साइंस एंड कॉमर्स के क्लासेस है. अब प्रॉब्लम क्या था जो मैंने बताया पहले, कि एंट्रेंस एग्जाम से, मतलब आपको बोर्ड की एग्जाम भी देनी है, आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देनी है. सर दो दो चीजों का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे? यस, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट. हमने दोनों चीजें कंबाइन की, ऑल इन वन. जैसे हमारा मोबाइल है, ऑल इन वन, कैमरा भी है उसमें, उसी में अलार्म भी रहता है, उसी में हम बात भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं. सो ये हमारी बैचेस हमने ऐसी की है, बोर्ड एंड एंट्रेंस एट वन प्लेस. फॉर साइंस पीपल वी हैव थ्री सेपरेट बैचेस. एक JEE के बच्चों के लिए अलग, नीट के बच्चों के लिए अलग, CET के बच्चों के लिए अलग. कौन सा चूज करना है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू हेल्प. कि आपको क्या, कहाँ तक जाना है, कहाँ पहुंचना है, उसके ऊपर आपको कौन सी ब्रांच या कौन सी बैच करेक्ट है, दैट ऑल्सो वी गाइड इन पर्सनल काउंसिलिंग प्रोग्राम्स या पर्सनल काउंसिलिंग सेशंस. स्ट्रेटेजिकली प्रोग्राम, प्लान प्रोग्राम है. मॉर्निंग 8:30 टू अप टू इवनिंग 6-7 नहीं, हम तो रात के 9-10 बजे तक पढ़ा चुके हैं. व्हेन एग्जाम्स वेर अप्रोचिंग, JEE फर्स्ट बैच, मुझे अभी याद है, रात के 10 बजे तक हमने लेक्चर्स लिए थे फॉर रिवीजन. लाइक टुमारो इज एग्जाम, तो आज बच्चों ने बोला सर हम रुकते हैं, आप पढ़ाओ, विल कॉल अवर पेरेंट्स टू टेक अस. ठीक है. सो अराउंड 250 प्लस प्रैक्टिस एग्जाम्स आते हैं, होते हैं आपके इन थियरी इन 2 years. स्टडी मटेरियल आपको मोर देन 25 बुक्स यू गेट. बेस्ट टीचर्स, टीम ऑफ बेस्ट टीचर्स, यू कैन इमेजिन. आधे घंटे में अगर आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, व्हाट विल हैपन इन 24 मंथ्स, दो साल में कितना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा. पेरेंट्स मीटिंग वी कंडक्ट टू गेट द फीडबैक, बच्चे कहाँ पर कम पड़ रहे हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है एंड ऑल. पर्सनल अटेंशन, डाउट क्लियरेंस सेशंस वी हैव. ऑल द टॉपर्स ऑफ लास्ट 5 years, किसी भी एग्जाम में यहाँ का टॉपर आप ले लो, JEE का टॉपर कौन था, CET का कौन था, नीट का कौन था, ऑल आर फ्रॉम सर आइंस्टाइन एकेडमी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. कुछ रिजल्ट्स अभी मैं ज्यादा तो इसमें बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. आकाश अमराड़ी एंड मोहसिन शेख, यू कैन सी टू नेम्स. आकाश अमराड़ी वॉज लास्ट ईयर स्टूडेंट लेटेस्ट एंड मोहसिन शेख वॉज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. सिर्फ दो मैंने इसलिए दिए है, दे आर जस्ट एन एग्जाम्पल्स. ही गॉट 99 मार्क्स इन मैथमेटिक्स and our previous record was 97. So obviously this year we are working for 100 out of 100. Har saal 80% se zyada bachche we have in first class and distinction. 40 plus NEET and 20 plus JEE. You can see how much difficult these exams are. All India level ki exams hai. So only in 3 years, these many students we have who cracked them and who have got admitted in government and prestigious colleges. Aur sabse badi cheez, har school ke जितने भी इस एरिया में, महाबलेश्वर, पंचगनी, गुताड़, बिलार, इवन वाई, जितने भी स्कूल्स है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के टॉप 3 स्टूडेंट दे गेट एडमिटेड इन सर आइंस्टाइन एकेडमी फॉर 11th एंड 12th. सो स्टूडेंट्स, देर आर ट्रिमेंडस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत सारा, एक सागर है. आज तक हम कुएं में थे, अभी आपके सामने सागर है. कौन सा करियर चूज करना है, कहाँ कैसे प्रिपरेशन करना है, वहां तक कैसे पहुंचना है, सारे के सारे आंसर्स के जवाब हमारे पास है. व्हाट यू मस्ट हैव अ राइट गाइडेंस. आगे देखिए, आगे जो डिसीजन होता है वो आपका होता है, बट व्हाट वी थिंक और व्हाट वी नो, जो भी नॉलेज हमारे पास है वो अगर आपको देते हैं, एक घर में अगर एक बच्चा पढ़ता है तो वो घर, वो फैमिली प्रोग्रेस करती है. अगर एक लड़की पढ़ती है किसी फैमिली में तो दो फैमिलीज प्रोग्रेस करती है. So for all these batches, jitne bhi batches maine bataye, 3 batches for science, JEE, CET, NEET, and 1 batch for commerce. Sare ke sare batches hamare 5th May ko start ho rahe hain, kyunki 12 lakh ka jo maine aankda pehle bataya tha. Imagine, usme se 11,99,999 student, except you, has already started.
हमारे एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मराठी का हमने वेबिनार 2 दिन पहले लिया था, हमारे वेबिनार में अनफॉर्चुनेटली वहां पे प्रॉब्लम आया था, सो दो स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अप्रोच्ड टू कंफर्म देयर सीट्स। ये मैं बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द फैक्ट। सो रिमेंबर, सेव द डेट 5 मई, सारे के सारे जो बैचेस है हमारे स्टार्ट हो रहे हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। वी आर नॉट गोइंग टू कॉल यू इन द एकेडमी, कोरोना है, एवरीथिंग इज देयर, वी कंडक्ट एवरीथिंग ऑनलाइन। और पहले 8 दिन वी गिव एवरीथिंग एज अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल, आपको पता चले सर आइंस्टाइन एकेडमी का कल्चर क्या है, व्हाई स्टूडेंट्स गो देयर, ये पता चलने के लिए फर्स्ट 8 डेज इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। कोई ऑब्लिगेशन नहीं आपको कंफर्म करना ही है, नहीं करना ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन जस्ट अटेंड द लेक्चर्स, हैव मोर आइडिया व्हाट थिंग्स आर देयर, व्हाट थिंग्स आई शुड लर्न एंड ऑल, एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन चूज व्हाट बैच यू वांट टू बी। इसके अलावा हम पर्सनल काउंसलिंग सेशन भी लेते हैं, होम विजिट्स भी हम करते हैं, एंड वीडियो काउंसलिंग। होम विजिट अभी कोरोना की वजह से वी कांट से, बट वीडियो काउंसलिंग, वन ऑन वन सेशन, पेरेंट्स, यू एंड अस, we can arrange that, and everything of this is free of cost. आपसे कोई भी चीज हम लेते नहीं है, because see knowledge is something जो जितना हम देते हैं उतना ज्यादा घूम के हमारे पास ही वापस आता है। So for all these things and admission, these are our contact details. We are on Facebook, we are on Instagram, we are on YouTube also. YouTube आपको check करना चाहिए actually. Facebook, Insta तो ठीक है contact करने के लिए है, but on YouTube we have very so many videos. डेमो लेक्चर्स के वीडियोस है, ऐसे वेबिनार के वीडियोस है, कुछ स्पेशली क्रिएटेड वीडियोस है, हमारी डॉक्यूमेंट्री है, सो यू शुड गो थ्रू इट, आपके ज्यादा डाउट्स वहां पे क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव आई थिंक 5 मिनट्स लेफ्ट, वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस, आई हैव मेनी क्वेश्चंस, जस्ट अ मिनट। सो ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है? ऑटोनॉमस कॉलेजेस वो होते हैं इन विच it is not attached to any university, prestigious, जैसे IIT है, IIT is autonomous, मतलब उनका खुद का syllabus है, उनके खुद की exam से अलग, it is not under anything, जैसे हम HSC board के अंदर आते हैं या SSC board के अंदर आते हैं, वैसे autonomous वो free है, क्योंकि वो उतने prestigious रहते हैं। Do we need maths for engineering? Yes, obviously we need maths, लेकिन आपको अगर maths से डर लगता है, क्योंकि ये बहुत बच्चों का problem होता है, so if you are afraid of mathematics, no problem, आप 11 में मैथ्स लीजिए, देखिए अगर होता है, क्योंकि हमारे टीचर्स या हमारा कोचिंग मेथड कुछ ऐसा है जिन स्टूडेंट को डर लगता है उन्हें भी बहुत अच्छे मार्क्स एट द एंड आए हैं। बट इवन इफ यू चूज कि नहीं सर उसमें मेरा वर्क जाता है, माई टारगेट इज मेडिकल ओनली, यू कैन लीव मैथमेटिक्स एंड देन यू कैन गो फॉर बायोलॉजी। तो मैथ्स के मैथ्स छोड़ के आप ज्योग्राफी ले सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। फॉर इंजीनियरिंग कैन वी डायरेक्टली गो फॉर डिप्लोमा? यस, डिप्लोमा ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, 10th के बाद भी आता है, आप 12th के बाद भी जा सकते हो, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया डिप्लोमा कॉलेजेस आर क्लोजिंग, इट वुड बी बेटर इफ यू कुड गो फॉर 11th 12th, एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे डिग्री नहीं होगी, आई शुड गो फॉर डिप्लोमा, यू विल गेट एडमिटेड इन डायरेक्टली सेकेंड ईयर, मतलब वहां पे आपका एक साल बच जाता है फॉर डिप्लोमा। आई एम रिपीटिंग अगेन, 11th 12th साइंस होने के बाद भी आपको डिप्लोमा में एडमिशन होता है, वहां पे एक साल आपका बच जाता है, सो दैट इज अ बेटर वे। ओके, सीटी एग्जाम फॉर एडमिशन इन 11th साइंस नहीं, 11th के लिए कोई भी सीटी एग्जाम नहीं होती, डायरेक्टली यू कैन गेट एडमिटेड। 12th के बाद की हम बात कर रहे हैं, वहां पे सारी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। व्हाट इज डिफरेंस इन मेडिकल एंड पैरामेडिकल? वो पहले भी बताया मैंने, मेडिकल फील्ड इट इज एक्चुअली डॉक्टर, एंड पैरामेडिकल दे आर द सपोर्टिंग स्टाफ। बड़े हॉस्पिटल्स में डायटिशियंस अलग होते हैं, कुछ ये होते हैं ना वो, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है मसल्स में तो उसके वो लोग अलग होते हैं, सो ऑल दिस थिंग दे कम अंडर पैरामेडिकल फील्ड। ओके, सो दिस वेर सम क्वेश्चंस आई हैड, अगर किसी के पास और भी क्वेश्चंस है यू कैन आस्क। आई रिपीट, 5 मई को हमारे बैचेस, सारे के सारे बैचेस के डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, जूम से हम ये कंडक्ट करते हैं इन ऑनलाइन मोड, और आप घर पे बैठ के ये अटेंड कर सकते हो, देर इज नॉट अ सिंगल मनी एज अ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे बैचेस होने वाले हैं, एवरीवन शुड अटेंड इट। बैचेस आर फीलिंग अप फास्ट, वी हैव सो मेनी इंक्वायरीज नाउ फ्रॉम महाराष्ट्र ऑल्सो, आउट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हर जगह हुई है, 10th सब पास हो चुके हैं और आगे की चीजें सबने स्टार्ट की है, घर बैठ के क्या करेंगे, तो चलो हम पढ़ाई जो कभी ना कभी तो करनी ही है 2 साल बाद,
अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो, इट इज लाइक अ मैराथन. आपको बताया गया है कि मैराथन आपको दौड़ना है, 6 बजे मैराथन स्टार्ट होगी, लेकिन 10 स्टूडेंट 5:30 बजे उन्होंने दौड़ना चालू कर दिया, तो ऑब्वियसली वो 10 स्टूडेंट ही जीतने वाले हैं, बिकॉज दे स्टार्टेड फर्स्ट. इट इज अ वॉर, इट इज अ बैटल. यहाँ पे वही जीतता है जो सबसे पहले वार करता है, जो सबसे पहले स्टार्ट करता है. ओके, सो ऑन बिहाफ ऑफ सर आइंस्टाइन एकेडमी, आई थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स यू हु अटेंडेड द लेक्चर. और भी लेक्चर्स हमारे आगे आने वाले हैं, आने वाले कुछ 15 दिनों में, ऑन मेडिकल फार्मेसी एंड डिफरेंट हम ज्यादा डिटेल में वहां पे बात करने वाले हैं. सो स्टे कनेक्टेड विद आवर ग्रुप्स, विद आवर टीचर्स, एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल मैंने बोला वहां पे भी आप जाके प्रीवियस वेबिनार्स भी आप देख सकते हो. नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता, नो मैटर आपको कहाँ जाना है, नॉलेज इज ऑलवेज, इट विल बी विथ यू. ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार. We will now conclude. Thank you.